तो फाइनली गाइज यहाँ पे गाइज मुझे जो है नया कैरेक्टर फ्री फायर का मिल चुका है, जिसका नाम है गाइज लूना। और मैं इसकी जो है एबिलिटी टेस्ट आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि इसकी एबिलिटी क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गाइज काफ़ी लोग इसके ऊपर डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि इसकी एबिलिटी क्या है। तो इसकी टेस्टिंग इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज फटाफट से इसको जो है मैक्स कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है मैक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स कम है। तो मेरा 5 लेवल का ये हो चुका है कैरेक्टर, ठीक है। दिखने में गाइज कुछ इस तरीके का काफ़ी बढ़िया ये सुंदर कैरेक्टर लग रहा है। और यहाँ पे गाइज इसका जो है बंडल भी मुझे बिल्कुल फ्री में मिल चुका है, देख सकते हैं काफ़ी ओपी इसका बंडल है, ठीक है। तो अब मैं इसकी एबिलिटी की बात करूँ तो इसकी जो एबिलिटी है पैसिव एबिलिटी, यानी किसी भी कैरेक्टर के साथ इसका आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है डीजे लोग या क्रोनो की तरह बटन दबा के एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, परमानेंट रहती है। तो इसके अंदर जो है दो तरीके से एबिलिटी को बांट रखा है। पहली इसकी एबिलिटी है इंक्रीजेस फायर रेट बाय, इसमें लिखा है 6%, क्योंकि मेरा अभी कम लेवल है, लेकिन मैक्स लेवल पे ये 8% तक रेट ऑफ फायर को इंक्रीज़ कर देगी। यानी कि गाइस जो गन से बुलेट्स निकलती है उसकी स्पीड ये इंक्रीज़ हो जाएगी 8% से। और ये चीज़ सारी गन्स के साथ होगी, SMG होगी, SG वाली यानी शॉर्ट गन्स होगी, स्नाइपर, हर गन के ऊपर जो है रेट ऑफ फायर को 8% से बढ़ा देगी। तो यहाँ पर गाइस मैं इसका जो है सबसे पहले रेट ऑफ फायर का टेस्ट करके दिखाता हूँ कि रेट ऑफ फायर ये कैसे इंक्रीज़ करती है। तो इस वाली वीडियो क्लिप में गाइस एक साइड पर हमारी लूना कैरेक्टर है, दूसरी साइड पर गाइस हमारा एडम है जिसकी कोई एबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे गाइस आप देखना कि ये जो M4A1 की पूरी 30 बुलेट है, इसको निकालने में कितना टाइम लेती है लूना और हमारा एडम नॉर्मल करेक्टर बिना एबिलिटी का। तो यहाँ पे गाइस 8% का फ़र्क है, यानी कि गाइस देख सकते हैं 3 बुलेट्स जल्दी निकली हैं हमारी लूना करेक्टर की। और ये चीज़ गाइस सभी गन्स पे अवेलेबल है, मतलब अप्लाई होती है, चाहे आप SG कर लो, लेकिन शॉर्ट गन का आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट गन की सिर्फ 2 ही बुलेट्स होती है जैसे कटने की, तो वहाँ पर आपको शायद इसका अंदाज़ा ना लगे कि रेट ऑफ फायर हल्का सा बढ़ाई कि नहीं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग मतलब ऐसी गन चलाओगे जिसमें काफ़ी मैगजीन है तो उसमें आपको फ़र्क दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 बुलेट्स इसकी जल्दी इसने निकाल दी जबकि एडम की 6 बुलेट्स अभी बाकी हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है आप देख सकते हैं इस कैरेक्टर के साथ रेट ऑफ फायर में। और ये जो गाइज मैंने टेस्टिंग की थी गाइज, इसमें गाइज मैंने कोई भी M4A1 चिप का यूज़ नहीं किया था, ना ही गाइज मैंने कोई गन स्किन लगाई थी रेट ऑफ फायर वाली, बिल्कुल सिंपल रखी थी M4A1 ताकि मैं अच्छे से आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। लेकिन अगर आप स्किन्स लगा लोगे और इसमें चिप लगा लोगे तो ये और भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी आपको, ठीक है। इसके बाद गाइज बात करते हैं इसकी दूसरी एबिलिटी की, जिसमें गाइज आपको मूवमेंट स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन यूजर हिट्स एन एनिमी अ मैक्सिमम ऑफ 12% ऑफ द फायरिंग रेट कन्वर्ट्स इनटू मूवमेंट स्पीड, यानी कि जब आप किसी बंदे को मारोगे गोली तो जैसे ही उसको गोली हिट करती है यानी उसको लगती है, उस टाइम पे गाइस आपका जो है रेट ऑफ फायर को ये थोड़ा कम कर देगा और वहाँ पे आपको जो है उसके बदले में मूवमेंट स्पीड ये दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 12% तक जो है आपका रेट ऑफ फायर घट जाएगा, यानी कि आपका रेट ऑफ फायर को कम करके जो है आपको 15% की ये मूवमेंट स्पीड दे देगा मैक्स लेवल पर, ठीक है। तो ये गाइस मूवमेंट स्पीड जो है बिल्कुल आलोक जैसी है, आलोक में भी गाइस 15% की आपको मूवमेंट स्पीड मिलती है। सेम वैसी गाइस मूवमेंट स्पीड आपको इस कैरेक्टर में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको जो एक गोली एनिमी को मारनी पड़ेगी उसके बाद ही ये मूवमेंट स्पीड आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो क्लिप में गाइस आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो लूना कैरेक्टर की एबिलिटी का जो सिंबल है गाइस, यहाँ पे गाइस रेड कलर का फ्लेम आ रहा है। रेड कलर का जो फ्लेम तब आएगा जब गाइस आपका रेट ऑफ फायर इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। और जैसे गाइज मैंने बंदे को गोली मारी देख सकते हैं वो रेड फायर हट गया, तो यहाँ पे गाइज मुझे थोड़ी देर के लिए मूवमेंट स्पीड मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वहाँ एबिलिटी में नहीं बता रखा था कि इसकी मूवमेंट स्पीड कब तक रहती है, लेकिन यहाँ पे गाइज मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट स्पीड है जैसे मैंने उस पर फायर करा उसको गोली लगने के कुछ सेकंड के लिए ही रहती है, यानी कि जैसे उसे मैंने गोली मारी थी देखो, फिर थोड़ी देर बाद ही गाइज यहाँ पे जो फिर से रेड सिंबल आ जाएगा नीचे की साइड। रेड सिंबल गाइज रेट ऑफ फायर को बताता है, यानी कि रेट ऑफ फायर बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही गाइज रेट ऑफ फायर आता है वापस से देखना, जैसे मैं उसको हिट करूँगा रेट ऑफ फायर जाएगा, मतलब इस तरीके से बार बार स्विच होता रहेगा। तो यहाँ पे गाइज स्पीड तो गाइज इस कैरेक्टर में है, आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट है, बिल्कुल ही मतलब एक भी एबिलिटी नहीं लगा गया तब जाके इसका ये मूवमेंट है। अगर इसमें मैंने कैरी लगा दी साथ में गाइज और भी बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर लगा दिए तो ये कैरेक्टर भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अभी के टाइम पर ये नॉर्मल बिना मतलब किसी भी एबिलिटी के साथ नहीं, इसकी इतनी स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये इसका मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जैसे एक हिट अगर आप एनिमी को करोगे तो उसमें आप गाइस आपको 5 सेकंड के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मूवमेंट स्पीड ये देता है, फिर वापस से रेट ऑफ फायर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एबिलिटी है पूरी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से मैंने समझा दी होगी एबिलिटी टेस्ट के साथ। अगर ये वाली वीडियो गाइस आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना बताना था, ओके बाय।